दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बोरिंग टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन, योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि योगदान शब्द में कौन सा कर्म धारय समास है, योगदान में कौन सा है कर्म धारय समास है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकाएक में संधि विच्छेद पूछा जा रहा, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा एक प्लस एक वृद्धि स्वर संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब हुआ निश्चिंत होना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण शब्द के पर्यायवाची, यहाँ धूसर गधा को कहा जाता है, शार्दूल बाघ को कहा जाता है। सही आंसर इसका सारंग हो जाएगा। हिरण का मृग होता है, हिरण का कृष्णसार होता है और सारंग होता है, ये हिरण शब्द के पर्यायवाची होते हैं, तो इसका आंसर हिरण शब्द का पर्यायवाची सारंग हो जाएगा। अमावस्या का विलोम शब्द पूछ रहा, तो इसका आंसर पूर्णिमा हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द में इसी को फॉलोअर्स या अनुयायी कहा जाता है, तो इसका आंसर अनुयायी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये जो शब्द है बी वाला, ऐसे लिखा जाता है आभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, आभ्यांतरिक होता है। निम्न में से कौन शब्द तद्भव है? तो जब भी आधा अक्षर से या ऊपर वाला रा या ये तिरछा रा या ए रा या मूर्धा शब्द वाले टा ठा डा ढा ये शब्द आते हैं, तो ये हमेशा मोस्टली केस में तत्सम शब्द होते हैं। तो आइए इस पे विचार करते, लज्जा लाज का तत्सम रूप होता है, तो ये नहीं होगा। हस्त आधा सा यहाँ आ गया, इसका हाथ हो जाएगा। पीत पीला ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? मीत मीत मित्र को भी मीत शब्द कहा जाता है, और तो इसका आंसर तद्भव क्या हो जाएगा? मीत हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो वाक्य बना लीजिए, प्रभाव होता है, निर्माण किया जाता है, भाषा बोली जाती है, विवाह होता है, तो इसका सही आंसर डी भाषा हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, भाषा होती है, भाषा होता है नहीं होता है। लेना एक न देना दो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी से कुछ मतलब न रखना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये शब्द बना है रक्त प्लस इमा, तो ये रक्त प्लस इसमें इमा प्रत्यय लगाया जाएगा, तो रक्तिमा शब्द बनता है, तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा, रक्तिमा। अब आइए यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात इसमें किया जा रहा है, तो ये बाघ गैंडा गाय हाथी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? तो फ्लोरीन की कमी से होती है। अगर दांतों में कैविटी कम हो जाए तो आपको फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। भारत का पहला अमृतसर सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। आप बताइएगा वो कौन सा जिला है जहां पर इसको स्थापित किया गया है। भारत सरकार के पहले
विधि अधिकारी कौन से हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी आंसर इसका हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए वो ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो ये 2023 का जो पुरुष वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इस पुरुष वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी, तो इसका आंसर सही भारत हो जाएगा। भारत के उद्यान शहर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको? तो ये बेंगलुरु, जिसे सिल्कान घाटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता? बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यू आर एल पूछ रहा, तो यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, रिसोर्स, लोकेटर, बी बिल्कुल सही होगा। संविधान का अनुच्छेद एक भारत को घोषित क्या करता है? तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात डी आंसर हो जाएगा, संघ राज्य घोषित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी प्रदान की है? तो किसके द्वारा? तो ये मंजूरी सिडबी के द्वारा प्रदान की गई है, और इस सिडबी मात्र एक बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1990 में की जाती है, इसका आंसर सिडबी हो जाएगा। अगला, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ कल्चर का सीजन अम्बेसडर नामित किया गया? तो एआर रहमान इसका सही आंसर सी हो जाएगा, को नामित किया गया है। रुपये 100 की भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, यानी कितनी भाषाएं लिखी होती? 17 भाषाएं 100 रुपये के नोट पर लिखी होती है। आप नोट को निकालिएगा, काउंट करिएगा। अगला, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी कपल के लिए एक व्यापक कम्प्रहेंसिव स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, कादरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में रहा, किस फसल की बीज की किस्म है? तो कादरी लेपाक्षी 1812 ये मूंगफली की क्या है, वैरायटी है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन हिंदी और जीएस के हमने डिस्कस कर दिए। अगले पार्ट में आपको मैथ और बाकी जो साइंस के क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन मिलेगा। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के रूम में, साइंस व मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।